शादी के कुछ दिन बाद बहू जब सोकर उठी तो उसे सास की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। सुबह जल्दी उठ जाया करो, हम लोग 6 बजे चाय पी लेते हैं। तुम्हारा देर से उठना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक कर ले आई। माँ जी, ये वो लिस्ट है जो आप लोगों ने मेरे घर वालों को दी थी। एक एक चीज मिला ले, सबकी सब पूरी होगी। 42 इंच का टीवी, 6 तोला सोना, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रो ओवन, डबल बेड, सोफा और 5 लाख रुपए नकद। और ये रही उनकी रसीद। आप लोगों ने लड़के की कीमत लगाई, मेरे माँ बाप ने कीमत अदा करके मेरे लिए शोहर खरीद लिया। आप लोगों ने मेरे बारे में कोई डिमांड की थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए, कितने बजे जागना सोना चाहिए। बहू अपने बैग की जिप खोलने लगी। इसमें क्या है? मेरे वालिद साहब ने कहा था जब तुम हमारे घर में थी तो तुम्हारी हिफाजत हमारे जिम्मे थी। अब तुम किसी और के घर जा रही हो तो इसलिए अपनी हिफाजत तुम्हें आप करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुझे एक नई कलेशनकोव लेकर दी। कहो तो दिखाऊं? सास अपनी सांसों को काबू में करते हुए बोली, बहू तुम्हारी नींद अभी कच्ची है, जाकर सो जाओ, जब दिल करे उठ जाना मेरी शहजादी। एक दफा एक भिखारी एक घर में गया। बीबी जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो घर की बहू ने कहा, जाओ बाबा माफ करो। वो वापस मुड़ा ही था कि पीछे से सास ने आवाज दी, रुको। हाँ जी बड़ी बीबी जी, जाओ बाबा माफ करो। लेकिन ये बात तो उसने भी कह दी थी। वो घर की मालकन मैं हूँ, और वो कौन होती है तुम पे रोब जमाने वाली? एक औरत डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे कहा, बहन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। खातून जब घर वापस आई तो दो औरतें आयादत के लिए आई। निपेले, वो तुझे क्या हो गया है? डॉक्टर ने कहा है मुझे एड्स हो गया है। तो वो दोनों औरतें तोबा तोबा करते हुए भाग गई। औरत की जवान बेटी जो ये सब कुछ सुन रही थी, उसने अपनी माँ से पूछा, हाय नी अम्मी, तू कितनी झूठी है, डॉक्टर ने तो तुझे कहा है कि तेरे गुर्दे फेल हुए हैं, तूने इनको ये क्यों कहा कि तुझे एड्स हो गया है? मैं भी देखती हूँ कि मेरे मरने के बाद तेरे अब्बा से इनमें से कौन शादी करता है।